हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेवल विद राठी की एक और नई वीडियो में। हम दिल्ली टू गोवा बाइक ट्रिप कर रहे हैं, आप सभी को पता है, वीडियोस देख रहे हो। और हाँ, अभी हम आ चुके हैं मुंबई। अहमदाबाद थे पहले, अब आ चुके हैं मुंबई। तो भाई, हम लोग आ चुके हैं मुंबई के वर्सोवा बीच पे, जो कि जितने भी सेलिब्रिटी बनने आते हैं यहाँ पे, आर्टिस्ट स्टार्स बनने आते हैं, एक्टर्स, वो सब ऑलमोस्ट यहीं पे रहते हैं वर्सोवा में। तो वो बीच है, मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं वो भी दिखाऊंगा जहाँ पे ऑडिशंस वगैरह होते हैं, सब ऑडिशंस होते हैं, रामनगर बोलते हैं उसको, जहाँ पे कास्टिंग एजेंसीज हैं, वो सब दिखाऊंगा। अभी दिखाता हूँ आपको वर्सोवा बीच। कितना शांत है यहाँ भाई, पूरा पानी आ रखा है यहाँ तो। आप ये देखो भाई, ये है वर्सोवा बीच, ये सामने समुंदर, ये पूरा पानी आया हुआ है अभी ना, बहुत ज़्यादा। ये तो पानी नीचे तक रहता है, इसमें नीचे जा सकते हैं। ये देखो लहरें, ये देखो, ये देखो, जो ये सब पत्थर लगे हुए हैं ना, ये पानी की कटिंग के लिए लगे हुए हैं कि पानी ऊपर ना जाए। ये यहाँ पे पानी आता है और इससे कट जाता है पानी, ये पूरे में देखो पत्थर ही पत्थर है भाई, बहुत बड़ा। ये सामने मड आइलैंड है इधर, ये सामने भाई। अभी हम आ चुके हैं वर्सोवा में आरामनगर, जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं। अभी मैं हेलमेट पे लगा रहा हूँ कैमरा, तो आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। ये है ना कास्टिंग, ये सब भाई एजेंसीज है, कास्टिंग एजेंसीज। इधर बाइक निकल जाएगी वहाँ, ये नो ऑडिशंस। यहाँ तो उसका है ना मुकेश छाबड़ा का, जो भाई ये सामने है ना, ये बिल्डिंग MC, ये मुकेश छाबड़ा का है। देखो अभी डंकी का भी पोस्टर लगा हुआ है, मतलब शाहरुख खान के जो मूवी आ रही है डंकी, उसमें भी कास्टिंग की है इन्होंने। ये बॉलीवुड का सबसे फेमस कास्ट, ये सब कास्टिंग एजेंसीज है भाई। यहाँ पे ना रोड पे भी है, अंदर भी है, यहाँ रामनगर है, यहाँ पे ऑडिशन वगैरह होते हैं। यहाँ से एंट्री है आरामनगर पार्ट 2 की भाई, जो ये सामने आप बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये दो दो फ्लोर के ये हट बनी हुई है जितनी भी, ये सब कास्टिंग एजेंसीज हैं, जो मूवीज़ में, सीरियल्स में, एड्स में कास्टिंग होती है। पहले यहाँ पे लाइन लगती थी कास्टिंग के लिए, अब लाइन नहीं लगती, अब साफ बाहर बोर्ड लगा देते हैं ये लोग। जब भी कोई ऑडिशंस वगैरह होता है तो इन्फॉर्मेशन मिल जाए सबको, और ऊपर से ऑनलाइन ऑडिशंस हो गए आजकल ज़्यादा। तो देखो ये सामने स्टूडियोज़ हैं बहुत सारे, सब कास्टिंग एजेंसीज हैं यहाँ पे। जितने भी आप स्टार देखते हो ना आज, वो सब यहीं पे आए हैं, सब यहाँ पे धक्के खाए हैं सब ने, सब यहीं से बने हैं। इधर कहाँ जा रहे हैं हम, तो वापिस जाएंगे अभी। जब भाई मैं मुंबई में रहता था ना, मतलब मेरे को यहाँ पे आता हूँ ना जब मैं, तो मेरे को याद आती है सारी चीज़। जब मैं मुंबई में रहता था पहले, तो यहाँ सब मैं भी आया हूँ बहुत बारी ऑडिशंस वगैरह के लिए, पर जब मैं आया था ना, तो जब कोविड चल रहा था, तो यहाँ पे ऑडिशंस वगैरह चल नहीं रहे थे। पर मैं घूमा बहुत हूँ यहाँ पे, लोगों से इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, तो बहुत घूमा हूँ मैं, तो बहुत याद आई यहाँ पे आके मेरे को ना दोबारा अपने पुराने दिनों की। ये आगे भाई हम मेन रोड पे, इसको बोलते हैं यारी रोड भाई। ये सोच रहा हूँ मैं, पहले मैं रहता था महाड़ा में, चार बंगला में, तो वहाँ से यहाँ तक आने में तकरीबन 4 किलोमीटर लगते थे। मैं हमेशा पैदल आता था यहाँ तक, और आज बाइक लेके घूम रहा हूँ तो बड़ा अलग सा लग रहा है। और आप लोग कभी भी कोई जाए तो यहाँ पे ऑटोज़ वगैरह, बसेस वगैरह, बहुत सब कुछ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे यारी रोड पे तो बस स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है, तो आप बसेस वगैरह पूरी
मतलब ट्रैवल कम्युनिकेशन तो पूरा है यहाँ पे, ये पूरी मार्केट है इधर सामने, खाने पीने की मस्त है भाई ये, बहुत याद आई यार मेरे को पहले की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा से।